जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ एक उपायों की। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। पहले आपको बता दूं कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए आपको कुछ एक सावधानियां रखनी होती हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने वचनों से बंधे हुए हैं। उन्होंने गणेश भगवान को वचन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम उनकी पूजा होगी, तत्पश्चात कोई दूसरी पूजा स्वीकार होगी। इसलिए आपको गणेश भगवान की वंदना पहले करनी चाहिए। यदि जल चढ़ाना है तो गणेश भगवान पर पहले चढ़ाना चाहिए। उसके बाद वह अपनी पार्वती माँ गोरा माँ से वचनबद्ध है कि वो उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए शिव को की गई पूजा आधा फल देगी जब तक कि आप गोरा माता की पूजा नहीं करते हैं, परंतु ये शिव पूजन के बाद होनी चाहिए। यदि आप पहले कर लेते हैं तो शायद शिव पूजन जरूर स्वीकार करेंगे, गोरा माता अपने पति से पहले अपनी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए जब शिवाला मंदिर जाएं पहले शिव जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, फिर शिव भगवान की पूजन करें, फिर गोरा माता या पार्वती का पूजन करें, फिर नंदीगण को आप जल चढ़ाएं, तो आपको पूर्ण रूप से पूजा लगती है। ये थे शिव पूजन में बरते जाने वाली सावधानियां। और शिव भगवान पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ता है, क्योंकि शिव भगवान ने उसको श्राप दिया हुआ है और वह उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि शिव पूजन कैसे करना है, यानी कौन से ऐसे उपाय हैं जो शिव जी को बहुत प्रसन्न करते हैं। भक्तों, परमात्मा हमारे हृदय में बसते हैं, परमात्मा हमारे दिल में बसते हैं। यदि हम दिल से किसी को भी हंसा देते हैं, किसी के आंसू पोंछ देते हैं, तो इससे बड़ी भक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। यदि आप किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जैसे अब सर्दियां आ रही हैं, अपने पुराने कपड़े निकालते वक्त देखिए कि कौन कौन से वस्त्र आपने यूं ही रखे हुए हैं, पहनने नहीं है, वो आप दान कर दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए, तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे उपायों की जिससे कि शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव कच्ची लस्सी यानी दूध में पानी मिलाकर जब हम शिव भगवान पर अर्पित करते हैं और नियम से करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि नियम से किया जाए तो फिर शिव भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। शिव भगवान को आप यदि कमल का फूल चढ़ाते हैं तो वह हजार वर्ष की तपस्या का फल मिल जाता है। ये नहीं है कि एक बार चढ़ा दिया और आपको उस तपस्या का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। यानी शुरुआत हो जाती है वैसी शुरुआत होती है, क्योंकि परमात्मा कुछ एक चीजों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। परंतु एक बात और बता दूं कि यदि आपके दिल में प्रेम नहीं है, दूसरों के प्रति दया नहीं है, तो आप कुछ भी चढ़ा दें शिवलिंग पर स्वीकार नहीं होगा। एक चोर था, बहुत दयावान था, लेकिन था चोर, तो वो एक पूरी बस्ती पाला करता था। एक दिन बस्ती में भूखे बच्चे थे, उसके पास कुछ नहीं था। वह शिव भगवान के मंदिर गया, उसने देखा कि ऊपर घंटा पीतल का लगा हुआ है, आज इसे ही उतारा है। ऊपर चढ़ने के लिए इधर उधर देखा, कुछ नहीं था, उसने शिवलिंग पर पैर रखा और चढ़ गया ऊपर। अब जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो जो मटका लटक रहा था उसमें से पानी शिवलिंग पर गिरा। शिव भगवान पार्वती के साथ बैठे थे, उनकी आंखें खुल गई और प्रकट हो गए। भोले बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, प्रकट हो गए। कहते यार मेरे पे तो आज तक लोगों ने बहुत कुछ चढ़ाया, अपने आप को किसी ने नहीं चढ़ाया, तूने तो अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया और उसे वरदान दे दिया।
अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए शिव भगवान के मंदिर से घंटी चोरी कर रहा था ताकि भूखे बच्चों के पेट में अन्न जा सके। परमात्मा जानते थे लेकिन बहाना बनाकर आ गए और उसको वरदान दे दिया। यानी ना तो वो शिवलिंग पर पैर रखने से खुश हुए, ना ही वो उसके घंटा चोरी करने से खुश हुए। वह खुश हुए तो उसके उस भले कार्य के लिए, साधन चाहे उसने गलत अपनाया था लेकिन परमात्मा खुश हो गए उसके भले कार्य के लिए। कि ये किसी के लिए अपना कल खराब कर रहा है पर किसी के लिए, तो हमें अपने दिल में प्रेम रखना है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध डालिए, पर आप थोड़ा दूध डाल लीजिए, बाकी दूध यदि आप किसी बच्चे को पिला देते हैं तो वो सीधा सीधा शिव भगवान के मुंह में जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम किलो दूध ले गए या आधा किलो ले गए या एक पाव 250 ग्राम ले गए, तो 250 ग्राम में से आप 10-20 ग्राम पानी में डालकर शिव भगवान पर चढ़ा दीजिए, वो तो इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी यदि आप किसी गरीब को दे दे तो उसके मुंह में जाएगा, इससे भगवान ज्यादा खुश हो। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, परंतु यदि आप किसी गरीब को शिव भगवान के नाम पर दूध पिलाते हैं तो शिव बड़े खुश होंगे, झूम उठेंगे। अब हम आते हैं दूसरे उपाय पर। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं है, वो यदि गौरा माता की भक्ति करें, शिव भगवान पर जल चढ़ाकर उनको सोमवार के सोमवार यदि वो पूरा सुहाग का जो सामान होता है मेकअप का वो यदि चढ़ाते हैं तो गौरा माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, उनको खुश देकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। तो आपकी यदि शादी नहीं हो रही है तो आप सारा सामान लेके सुहाग का, चुनरी, मेकअप का सामान जो होता है वो ले लें, वीरवार के दिन गौरा माता पर चढ़ाइए। तो आप देखेंगे कि कितने प्रसन्न हो गए शिव भगवान आप पर। अब कुछ भक्त कहते हैं हमने 16 सोमवार के व्रत किए फल नहीं मिला। ओ भाई, आपने ढंग से किए ही नहीं, आपने व्रत को व्रत मान लिया, भूखे रहने को व्रत मान लिया, ये तो भूख हड़ताल होगी जो अन्ना हजारे किया करते थे। व्रत का मतलब है एक दिन अपने परमात्मा को समर्पित करना। तो आप अपना एक दिन समर्पित करो, सारा दिन पाठ पूजा करो, भूखे मत रहो, लोगों का भला करो। उस दिन विशेष होना चाहिए, समझो आज मेरा तपस्या का दिन है, मैं शिव भगवान के नाम पर दान करूंगा, शिव भगवान के नाम पर खाना खाऊंगा, शिव भगवान का पूजन करूंगा, शिव भगवान में के नाम पर लोगों को हंसाऊंगा, शिव भगवान के नाम पर रोते हुए आंसू जो है पोछूंगा। तब परमात्मा आपके अंग संग हो जाएंगे। 16 सोमवार क्या, एक सोमवार में ही भला होना शुरू हो जाएगा। उन नियम से करें, शिव भगवान के नियम से, पहले गणेश वंदना, फिर शिव पूजन, फिर गौरा माता करके देखिए। फिर एक बार नहीं होगा तो मुझे पकड़ लीजिए आगे, क्या आपने ब्रिजमोहन सूरी जी आपने ऐसा कहा था, हुआ ही नहीं। तो ये नियम है, परमात्मा जिन वचनों से बंध गए बंध गए। यदि वो आपको वचन देकर बंध जाते हैं, आपका भला कर देते हैं, तो जो वचन आपसे पहले वो किसी दूसरे को दे बैठे हैं उसे भी तो निभाना है उन्होंने। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुपति रीत सदा चली आए। तो ये होता है ऐसा। आप यदि आप कहते हैं आपकी पुकार शिव भगवान तक नहीं पहुंच रही, तो सबसे पहले आप घर से निकलिए, किसी गरीब को कुछ दान दीजिए, फिर किसी को खाना खिलाइए, फिर मंदिर में बैठ जाइए, 108 बार ओम नमः शिवाय दिल से बोलिए, फिर आप नंदीगण के कान में अपनी बात कह दीजिए। लेकिन बात कहने से पहले गणेश वंदना कीजिए, फिर आप शिव पूजन कीजिए, फिर पार्वती माँ का पूजन कीजिए, फिर नंदीगण का पूजन करते हुए अपनी बात कहिए। मैंने देखा लोग लाइन में लगे हैं, नंदीगण को अपनी बात पहले कह देते हैं, शिव भगवान के पास बाद में जाते हैं, और फिर कहते हैं हमने नंदी के दर्शन तो कर ही लिए। तो जो आपने सेवक के दर्शन पहले कर लिए तो फिर बाकी
परमात्मा कैसे स्वीकार होगी आपकी भक्ति? परमात्मा कर भी लें तो नंदीगण दुखी हो जाएंगे कि मेरी भक्ति पहले कर ली, मेरे प्रभु की बाद में कर रहे हैं। तो इसलिए नियम से चलना है, नियम ही आपको आगे ले जा सकता है, नियम ही आपको कुछ दे सकता है। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो भी देखे जिनमें बताया जाता है कि राशि के अनुसार आप ऐसे पूजा कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा के आगे ग्रह चाल कुछ नहीं है। यदि आप परमात्मा की पूजा कर रहे हैं तो ग्रह चाल को भूल जाइए, आप पूजा कीजिए उस परमात्मा को लेकर। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाता है, ऐसे ही आपने अपने परमात्मा को मनाना है। अब प्रेमी यदि प्रेमिका को मनाने के लिए सोचना शुरू कर दे कौन सा ग्रह चल रहा है कैसे करें, तो कुछ नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ परमात्मा को मनाना है, और परमात्मा को मनाने के लिए आपने अपने दिल का दरिया खोलना है, समुंदर बना देना है उसे। जिन बहनों के, जिन लड़कियों के शादी नहीं हो रही या शादी हो चुकी है, गृहस्थ आश्रम में प्रॉब्लम आ रही है, पति नाराज रहते हैं या बच्चा नहीं हो रहा है, वह गौरा माता की पूजा करें। लेकिन गौरा माता की पूजा करने से पहले गणेश वंदना करें, फिर शिव पूजन करें, फिर गौरा माता की पूजा करें। आपने ये नियम बना लेना है, यानी शिव जी की पूजा करनी है तो इसी नियम से ही करनी है। आप चाहे शहद चढ़ाइए, आप चाहे शक्कर चढ़ाइए, आप चाहे कपूर चढ़ाइए, नीला फूल चढ़ाइए, लेकिन जो भी चढ़ाना है दिल से चढ़ाना है। और फिर वहां पर प्रण करना है कि हे मेरे शिव भोले भंडारी, मैं आपकी भक्त, आपका भक्त, आज दो व्यक्तियों को भोजन कराऊंगा, करवा दीजिए। फिर कहिए कि हे प्रभु, मैं आपके नाम पर ये गरीब बंदे को स्वेटर दे रहा हूं। अब बताता हूं कि इसका क्या फर्क है। आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाया, जल नाली में चला गया, बात खत्म हो गई। शिव भगवान भी यदि आपकी तरफ देख रहे थे तो जल चढ़ते हुए उन्होंने देखा, उसके बाद तो कई भक्तों ने चढ़ाया, आपकी बारी तो खत्म हो गई ना। लेकिन जब आप किसी को शिव पूजन के नाम पर एक स्वेटर दे देते हो और वह गरीब बंदा रोज पहनता है, तो शिव भगवान और पार्वती उसे रोज देखते हैं। जब ठंड से वो बचकर खुश होता है, उसे आपकी याद आती है, तो शिव भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कहीं वो भक्ति करता हो तो उसकी भक्ति का बहुत हिस्सा आपको मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कम हो जाएगा, उसकी भक्ति का हिस्सा उसके पास ही रहेगा। लेकिन परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे भक्त ने इस भक्त की मदद की और ये भक्त प्रसन्न हो रहा है, इसके कष्ट दूर हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि परमात्मा वस्तुओं से खुश नहीं होंगे। अब आप कहोगे स्वेटर भी तो एक वस्तु है, लेकिन वो आपने किसी को भले के लिए दी। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी का सहारा बनते हैं, तो परमात्मा आपका सहारा बन जाता है। आपने श्रृंगार चढ़ाया गौरा माता पर, गौरा माता प्रसन्न हो गई, उनको प्रसन्न देखकर शिव भगवान प्रसन्न हो गए, माता पिता को प्रसन्न देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए, गणेश जी सबको प्रसन्न देखकर नंदीगण प्रसन्न हो गए। तो ये जब पूरा परिवार ही प्रसन्न हो जाएगा तो आपके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे मैंने तो बोला था कि मैं उपाय बताऊं कि भाई किन उपायों से शिव प्रसन्न होते हैं, तो शायद मैं वही बता रहा हूं आपको कि शिव भगवान, आपने नारियल ले लिया, आपने दूध ले लिया, आपने शहद ले लिया, आपने चीनी ले ली, गंगा जल ले लिया और आप मंदिर पहुंच गए। अब आप चढ़ा रहे हैं लेकिन मन में गालियां दे रहे हैं, या बाहर ड्राइवर खड़ा था उसने कहा
बाबूजी आज 100 रुपया चाहिए, मैंने अपनी पत्नी के लिए दवा लानी है, आपने मना कर दिया, 200 रुपये का सामान खरीद लिया और पूजा करने लगे। तो अब उस ड्राइवर की नेगेटिव वाइब्रेशन आपके साथ शिव भगवान के मंदिर में आ चुकी है। शिव भगवान को आपका 200 रुपया खर्च करना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके बच्चे का 100 रुपये में मदद नहीं की और उन पर 200 रुपया खर्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा किसी से 20 रुपए मांग रहा है कि बिस्किट लेने हैं, उसने उसको 20 नहीं दिए और आकर आपकी सेवा में बैठ गए और दिखाने के लिए आपको 40 रुपए का गिफ्ट दे रहा है, आप उस 40 रुपए के गिफ्ट से प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि उसने आपके बच्चे की मदद नहीं की है, आपको गुस्सा आएगा। ऐसे ही परमात्मा का रूप है, ऐसे ही परमात्मा की शक्तियां हैं, ऐसे ही परमात्मा का व्यवहार है, उसे पाना है तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि आप प्रेमी हैं और वो प्रेमिका है। यदि आप लड़की हैं तो सोचिए वो प्रेमी है, आप प्रेमिका हैं। उन्हें प्रसन्न करना है तो उनके तरीके से चलना होगा, अपने तरीके से नहीं चलना है, उनके तरीके से। ये नहीं किसी पंडित ने कह दिया भी इस तरह से पूजा करो तो आपने उस ढंग से करनी है, नहीं, आपने अपने परमात्मा के तरीके से चलना है। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं महंगा चोला मेरे पर मत चढ़ाओ। यदि महंगा चढ़ाना है चढ़ा लो, आपका दिल है तो, लेकिन उतने की राशि दूसरों पर भी खर्च करो। मेरा कहने का मतलब है कि जितना धन आप पूजा पर खर्च कर रहे हैं उतना ही धन आपको दान करना चाहिए, तब आपकी पूजा स्वीकार होगी। अब आपके पास धन नहीं है, दूध नहीं है, तो पानी चढ़ा दीजिए, जाइए मंदिर, पोछा लगाइए, वहां पर शिवलिंग का जल ले आइए, घर में छिड़काव कीजिए, देखिए कितनी शक्तियां मिलती हैं आपको। अब कुछ एक लोग कह देते हैं शिवलिंग पर औरतों को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो भाई मेरे वो शिव का लिंग थोड़े है, वो तो शिव जी एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, तब से शिव ने वरदान दिया कि मेरे इस रूप की पूजा होगी। ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा हो रहा था, शिव स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए कि इनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए, तो लोगों ने कह दिया ये शिव जी का लिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, औरतें भी पूजा कर सकती हैं। अरे बेटी अपने बाप की सेवा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? कीजिए सेवा, वो तो शिव जी का रूप है, लेकिन नियम के साथ, तरीके के साथ। किसी भी भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले उनके बनाए हुए मानव को प्रसन्न करना पड़ेगा। किसी भी परमात्मा से आशीर्वाद लेना है तो पहले हमें जो हमें दिया है परमात्मा ने, हमें धन दिया है, उसमें से थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। यदि आपको कोई पावर दी है, आप पुलिस में हैं, कोई अधिकारी हैं, कोई टीचर हैं, तो आप देखिए कि आप कैसे किसी की सेवा कर सकते हैं। यह पावर परमात्मा बहुत कम लोगों को देता है। आपको यदि इस पावर से नवाजा है तो लोगों की सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों की सेवा नहीं करेंगे तो यह पावर कम होने लगेगी। तो ये था शिव पूजन का तरीका। तो अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप चाहते हैं ज्योतिष संबंधित भी सामग्री आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल ब्रिज मोहन सूरी के नाम से है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कृपया फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर सवाल लिख दीजिए, 24 घंटे इंतजार कीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। लोग क्या करते हैं, इधर व्हाट्सएप किया उधर फोन करते हैं, मैंने कर दिया जी व्हाट्सएप, मैं देख लूंगा, जब भी मैं खोलता हूं सारे व्हाट्सएप 2-3 हजार मैसेज होते हैं, मैं उनको सबको जवाब देता हूं, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा 24 घंटे या 30 घंटे, इतने समय में जवाब जरूर मिल जाता है। तो आप इजाजत दीजिए, जय साईं राम, नमस्कार, ध्यान रखिए
और बिल्कुल अलर्ट रहिए। ओह।